यहाँ पर एडिटिंग शुरू। सो गाइस, सुना आपने मेरी पत्नी की आवाज क्या मस्त गाना गाती है। जब शादी से पहले हम कुंवारे थे ना, तो जो सौभाग्य मुझे प्राप्त हो रहा है ना, वो सौभाग्य जीवन में मुझे तो गाइस ब्रश कर लिया है, बहुत जोरों की भूख लग रही थी, मैंने पानी पिया। और देखो आज है शनिवार, शनिवार नहीं है ना, शुक्रवार है। सॉरी गाइस, आज है शुक्रवार, लेकिन शनिवार को खिचड़ी खाई जाती है ना, तो शुभ माना जाता है। लेकिन आज हमारे घर में शुक्रवार को ही खिचड़ी बन गई है, और ये है साग और रोटी। बहुत जोर की भूख लग रही है, अभी जा रहा हूँ फिलहाल मैं खाना खाने के लिए। और हमारा ये देखो नंगू पंगू बाबू कहाँ गया। अरे कहाँ गया बाबू, मम्मी लेके चली गई उसकी, ऊपर गया गाइस। ये लाइट क्यों जल रही है, बंद करो इसे। हाँ बहुत भूख लग रही है गाइस, खाता हूँ, बाद में मिलता हूँ मैं आपसे। यार एक अखबार लाना पड़ेगा मम्मी। सो गाइस खाना तो हो गया मेरा खत्म, और अब फिलहाल इधर अपना काम स्टार्ट होगा। तो वाइड एंगल से शूट करने के लिए मुझे ट्राइपॉड का इस्तेमाल करना है ना आज, बट अभी कुछ काम बाकी रह गया तो उसको निपटा लेता हूँ, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। सो गाइस काम तो हो गया मेरा फिनिश, तो ये अपना ट्राइपॉड। रात को इसमें मच्छरदानी को लगाना होता है ना, एक तरफ कोने में दबा के रख देता हूँ गाइस। वाओ गाइस क्या मस्त धूप हो रही है, देख रहे हो कितनी भयंकर धूप हो रही है, बहुत ज्यादा तेज धूप हो रही है गाइस। नीचे की तरफ कमरे में रहते हैं ना तो ठंडी लगती है, लेकिन जब ऊपर छत पे आते हैं तो धूप तेज लगती है, पर सुनहरी धूप है। देखो गाइस उठ गया, उठ गया, हो गई नींद पूरी। हाँ हो गई नींद पूरी, बाथरूम आ रहा लग रहा है इसे, उठाओ उठाओ जल्दी। सो गाइस शाम के 4:30 बज रहे हैं, और मम्मी ने छत पे गेहूं जो सुखाया था ना, धोकर डाला था गाइस, तो उसको मुझे दुकान पर देके आना है। तो आई थिंक कि सुखाया नहीं था गाइस, फटका था पैकेज, ऑलरेडी सूखा हुआ था गेहूं। तो देखो ये कट्टा 15 या 13-14 किलो होगा। इधर से धूप आ रही है, कंधे पे जाना सही रहेगा, स्कूटी से ले जाना सही रहेगा। अफसोस की बात ये गाइस की चाबी नहीं मिल रही स्कूटी की। सो गाइस अब यहाँ पर एडिटिंग शुरू। अपना सेटअप तो हो गया तैयार, और बड़े अफसोस के साथ बताना पड़ रहा है गाइस, क्योंकि आज वाईफाई का लास्ट डेट है, आज से वाईफाई बंद हो जाएगा, तो दोबारा से इसको रिचार्ज कराना पड़ेगा। धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे दिल को चुराना, तुमसे प्यार में कितना जाने जाना, तुमसे मिलकर तुमको है बताना। वाह क्या गाती हो यार, क्या मस्त। सो गाइस सुना आपने मेरी पत्नी की आवाज क्या मस्त गाना गाती है। जब शादी से पहले हम कुंवारे थे ना, तब मेरी पत्नी मुझे फोन पर ये गाने अक्सर सुनाया करती थी। आज सामने मतलब उस टाइम गर्लफ्रेंड के तौर पर सुनाती थी, आज बीवी के तौर पर सुनाती है। तो जो सौभाग्य मुझे प्राप्त हो रहा है ना, वो सौभाग्य जीवन में मुझे जो सपना था वो साकार हो चुका है मेरा। बट आई एम सो लकी, क्योंकि सपने सभी के साकार नहीं होते। और आगे यार आगे गाइज मुझे पता नहीं क्या आगे, मैं तो ऐसे ही बना रहा हूँ। तो सपने सभी के साकार नहीं होते, जिनके साकार हो जाते हैं वो कभी बेकार नहीं हुआ करते। बन गया। Thank you.